बेगूसराय का यह सिमरिया राजेंद्र पुल है। इसी पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां इस पुल पर स्पाइडरमैन की तर्ज पर बदमाशों के द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों का मोबाइल झपट लिया जाता है। पिछले अप्रैल माह में इस पुल का दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और दो दिन पूर्व भी इसी पुल पर से एक वीडियो वायरल तेज़ी से हुआ, जिसमें झपट्टा मार के बदमाश ट्रेन में यात्रा के दौरान गेट पर बैठे दो युवकों का पलक झपकते ही मोबाइल झपट लिया। अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे, यह राजेंद्र पुल है जो बेगूसराय और मोकामा रेल पुल का पार्ट है और यह करीब 3 किलोमीटर लंबी रेल पुल है। इसी रेल पुल पर आए दिन झपट्टा मार बदमाशों के द्वारा स्पाइडरमैन की तर्ज पर झपट्टा मार कर मोबाइल लूटी जाती है। आप देख सकते हैं पुल है, रेल है, पटरी लगी हुई है और काफ़ी खतरनाक यह जगह है, लेकिन इसके बावजूद झपट्टा मार स्पाइडरमैन की तर्ज पर झपट्टा मार कर मोबाइल लूटते हैं। आपको वह जगह भी दिखाते हैं। देखिए, यह रेलवे के द्वारा पुल में लोहे का रड लगाया गया है, तार लगा हुआ है और जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि इसी पर जो बदमाश हैं वह अपना पैर रखते हैं और उसे रस्सी के सहारे बांधते हैं और उसका सिर यहाँ तक रहता है और शरीर में भी वह गिरे ना इसलिए गमछा डालकर या कोई कपड़ा रस्सी बांध कर अपने शरीर को भी सुरक्षित करता है। आप देख सकते हैं कि ये पटरी है, थोड़ा सा भी लोग अगर अनबैलेंस हुआ तो उसकी जान जा सकती है। नीचे गंगा है, उत्तरदायिनी गंगा सिमरिया है, जहाँ दूर दराज से लोग गंगा स्नान करने भी आते हैं और यह खतरनाक जगह है। लोग पैदल चलना भी खतरे से खाली यहाँ नहीं है। इसके बावजूद स्पाइडरमैन की तर्ज पर बदमाश अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों की जान से भी खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि जब यात्री इस ट्रेन से इधर से गुजरते हैं उस वक्त जब बदमाश इस पुल के सहारे लटका होता है और खिड़की पर से यात्रा करने के दौरान या ट्रेन के गेट पर जब बैठकर वह यात्रा करते हैं उस वक्त अचानक से स्पाइडरमैन की तरह बदमाश झपट्टा मारते हैं और पलक झपकते उनका मोबाइल बदमाशों के हाथ में चला जाता है। यह 3 किलोमीटर लंबी पुल है और एक तरफ पैदल जाने के लिए भी पटरी बिछाया गया है। हालांकि यह भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जिस तरह से बदमाश ट्रेन के यात्रियों से मोबाइल झपट्टा मारते हैं वह सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस खतरनाक जगह से हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि थोड़े से भी अनबैलेंस होने पर खतरा बढ़ सकता है, लेकिन जो स्पाइडरमैन की तरह बदमाश यात्रियों की जान से खेलते हैं वह इसी लोहे के रड के सहारे अपने को टार्जन स्टाइल में लटकते हैं और यात्रियों से मोबाइल कम कीमत की मोबाइल के बदले यात्रियों की जान से खेल जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ से आगे गढ़ारा यार्ड पड़ता है, वहाँ पर भी कई बार डंडे के सहारे रेल यात्रियों जब खिड़की पर बैठकर यात्रा करते हैं हाथ में मोबाइल चलाते हैं उस वक्त डंडे से मारकर उनकी मोबाइल लूटी जाती थी। कई बार गढ़ारा यार्ड में ट्रेन से गिरने के बाद यात्रियों की मौत भी हुई है, हालांकि वह दर्ज मामलों में ट्रेन से गिरकर होता है, लेकिन होता यह है स्थानीय लोगों की माने तो झपट्टा मार के लाठी डंडे से चोट खाने के बाद यात्री गिरते हैं और उनकी मौत होती है। बरौनी जीआरपी के जो अधिकारी हैं या रेल के अधिकारी हैं वह मानते हैं कि इस पुल पर स्पाइडरमैन की तरह यात्रियों से झपट्टा मार होती है, बदमाश की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी रेल के अधिकारी या जीआरपी के अधिकारी बोलने से परहेज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस खतरनाक पुल पर स्पाइडरमैन बदमाश भी अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और यात्रियों की जान से भी खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि एक साधारण मोबाइल के लिए यात्रियों से जिस तरीके से झपट्टा मारी जाती है वह यात्रियों को जान जोखिम में भी डाला जाता है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।